हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम असलम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? रियाज खान बात कर रहा हूँ जी, कमालिया से। सर क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या हाल है? कमालिया ठीक ठाक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, कमालिया ठीक है, हम भी ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो कमालिया का खद्दर ही पहनता हूँ आजकल। अच्छा, चले सर, आपका एड्रेस अब जो है ना वो मुझे फेसबुक पे अवेल हो गया, मैं आपको पार्सल करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर। आप मुझे सर जस्ट अपने फेवरेट कलर बता दें। नहीं, खुदा के लिए ये नहीं करना प्लीज। वो बस हो गया, नहीं आप सर, आपके पहुंच गए जनाब। ठीक है, चलो मैं फिर सर आपको अपनी चॉइस का भेज चलो दूंगा। हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी सर मैं काफी दिनों से ये अंगूरों की पनीरी के बारे में सर्च कर रहा था, और उसके अलावा इसकी कौन सी जो नस्ल है, क्योंकि 5-7 जो है ना वो मेंशन की हुई है, तो उसमें से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो बीमारियों के अगेंस्ट, प्रोडक्शन भी अच्छी हो और वेदर को भी अच्छा खासा डिपेंड कर सके। वेरी गुड। वो इस पे मैंने बहुत तफसील से एक एक क्या कई प्रोग्राम किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे, अंगूर उगाएं खूब कमाएं, एक प्रोग्राम है डॉक्टर अशरफ साहबजादा। अंगूर कम लग उगाएं या लगाएं खूब कमाएं, ये डॉक्टर अशरफ साहबजादा का यूट्यूब पे मेरे हैं, और भी बहुत सारे हैं। और उसमें मैंने यहाँ का ख़ास तौर पे मौसम की नस्बत को सामने रखते हुए, और ख़ास तौर पे मॉनसून की बारिशें इनको उसको ख़राब कर देती हैं जब ये राइपनिंग पे आता है, समझ गए, पकता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन दो तीन वैरायटीज़ हैं जो मैंने मेंशन की हैं, उसकी टेक्नोलॉजी मैंने दे रखी है उसमें। वो है किंग्स, जो मैंने घर पे भी लगा रखे हैं, किंग्स रूबी है। अच्छा, वो जो पिछले दिनों पिक्स अपलोड थी आपने अपने फेसबुक पे की, वो किंग्स रूबी की थी? एग्जैक्टली वही वाली, तो किंग्स रूबी है, और इसी तरह परलेट है, और ये एक और है फ्लेम सीडलेस, अच्छा, एक और भी सीडलेस है ना, थॉमसन सीडलेस है शायद। वो थॉमसन की भी वो कहते हैं, लेकिन ये वो उसी का ही नाम इन्होंने मुख्तलिफ दे रखे हैं। ठीक है ना? सर आपने तीन मेंशन की, किंग्स रूबी, फ्लेम सीडलेस और परलेट। हाँ, परलेट, लेकिन कोई मिल जाए, किंग्स रूबी मिल जाएगी आपको। ये हमारे एक डॉक्टर तो नहीं, इफ्तखार साहब थे, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर थे। हॉर्टिकल्चर के बहुत अच्छे फ्रूट्स के ना स्पेशलिस्ट हैं इफ्तखार अहमद साहब, और गुजर खान से इनका ताल्लुक है। वो भी रिटायर हो चुके हैं, अच्छा ठीक और है जी, उनका बेटा है अशफाक इफ्तखार, उसका नाम है, गांव ठीक इनका है है गरमाला, ठीक है। ये गुजर खान के करीब है। अगर आप इनसे रابطہ कायम करें ना, तो जी, आपको बस वहाँ से ए बड़ी मुस्तनद किस्म की नर्सरी मिल जाएगी, मतलब और जो वो वैरायटी बताएंगे वो डेट श्योर वही होगी। डेफिनेट है वही होगी, और वो मेच्योर, क्योंकि कटिंग्स से लेते हैं, तो वो उसी साल आपको तकरीबन वो देना शुरू कर देगी फल, लेकिन ठीक है, 2-3 साल बाद इंशाल्लाह भरपूर फल देगी वो। आप उनका नंबर, अशफाक इफ्तखार गरमाला गुजर खान, उनका नंबर आप मतलब सर नोट। पहले 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 साल टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड करेगी और थर्ड ईयर जाके फुली मैच्योर होके आपको सेल पॉइंट पे भी ले जाएगी, हाँ सही जी, इंशाल्लाह ताला। आप देखें ना, 0344 है? 0344 531 36 25। 5, मैं सर रिवाइज कर दूं, हाँ जी 0344 जी 531 जी 3625। बिल्कुल,
ये अशफाक इफ्तिखार का नंबर है, तो अशफाक आप उनसे इफ्तिखार। ये राबता करें, और उनके जो फादर है ना इफ्तिखार साहब, वो उनका भी नंबर मैं दे देता हूँ, वो भी आप रख लें। हो सकता है कि वो ना मिले तो उनसे आप कर सकते हैं। ज़ीरो ठीक है सर, ज़ीरो 333 530 530 1762। 1762। ठीक ठीक है है, सर, इनका नाम इफ्तिखार साहब आपने बताया ना। इफ्तिखार ठीक साहब, इफ्तिखार साहब। है जी, तो कोई उनको राजा इफ्तिखार साहब कहते हैं, कोई मुख्तलिफ नामों से देते हैं, तो बहरहाल फैमिली सर उनको राजा इफ्तिखार के नाम से मेंशन कर लेंगे, फैमिली टाइटल भी साथ में लगा के। पता नहीं फैमिली, पता नहीं लोग वैसे, चूंकि इस साइड पे ज्यादातर राजे होते हैं ना, एक प्राइम मिनिस्टर भी थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, जी, और ये ज्ञानी साहब भी उधर गए थे, और राजा अशरफ, पता नहीं क्या नाम था उनका, हाँ जी परवेज अशरफ। परवेज अशरफ, तो वो भी हाँ जी, राजा ही थे। तो राजे मेरा ख्याल है इधर काफी डोमिनेंट है, हाँ जी, इस टेरिटरी में, हाँ जी, काफी इस टेरिटरी में पाए जाते हैं, और वो तो एक ब्रिटिश असेंबली की सईदाबाद थी, वो भी इधर की थी, गुजर खान की। अच्छा। बहरहाल हाँ जी, मैं उनको एज ए साइंटिस्ट जानता हूँ, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। और लेकिन ना मुझे अगले रोज़ एक एडवोकेट थे ओकाड़ा के, वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब वो कीमत बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, को 60 रुपए का एक पौधा दे रहे हैं और बड़ा महंगा पड़ता है, और आप उनको उनको कहें कि कम करें। तो सर अगर मैं तो आई थिंक ऑथेंटिक होना कि जहाँ पे आपको डेड श्योर हो कि उन्होंने वही देना है जो वो बता रहे हैं या जो आप मांग रहे हैं, तो आई थिंक आपको 10-20 रुपए महंगी भी कोई महंगी नहीं है। आपको एक बंदा 10-20 रुपए सस्ती दे दे और वो आपको मिक्स दे दे, देन आप उसका क्या करेंगे? ये यही मैंने आप उनको कहा था, मैंने कहा एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि वो जो चीज़ देंगे एक तो वो प्योर भी होगी, और दूसरा ये है कि वो जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देंगे। टोटल जो क्रॉप है किसी भी फार्मर की, वो उसके सीड पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है, तो वो आई डोंट थिंक कि अगर वो 10-20 रुपए बाकी मार्केट से ज्यादा भी डिमांड करते हैं, लेकिन वो जब प्लांट अथेंटिक उनके वही होने हैं जो उन्होंने बताना है, तो देन आई थिंक वो 60 रुपए कोई ज्यादा नहीं है कोई नहीं है। बस आप बिस्मिल्लाह करें, उनसे सर। यहाँ कांटेक्ट पे, कर लें, सर ठीक यहाँ है। पे चिश्तियाँ हमसे कुछ तकरीबन है तो 200-250 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे चोलिस्तान में ये काफी डिवेल्प हो रहा है, जहाँ से मैंने ये इसका जो है ना वो सर्च किया है, हाँ जी, तो मतलब उसको ग्रेट वैली कहा गया है, तो वहां पे कुछ चिश्तियाँ में डॉक्टर साहब है, उनका पता चला कि उन्होंने पत्तों की जो जितनी भी नर्सरी थी इसकी ग्रेप्स की ना, वो सारी की सारी वहां से 30 रुपए में उठाई, और वहां पे वो जो मिक्स था उन्होंने किसी को, जो किसी ने मांगा वही दे दिया, 300 में भी उन्होंने प्लांट सेल किया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वहां बहरहाल पे एक फोटाबाज का लड़का है जिसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई थी, वो बता रहा था जी अच्छी खासी उसकी वर्क थी, 2 दफा वो हवालात जा चुका है इसी इशू में। वो बात यह है कि बुरे कामों के बुरे नतीजे, और अच्छे कामों की लोग दुआएं भी देते हैं, लोग खुश होते हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला, मैं तो उस बंदे का दूंगा जो सही अथेंटिक होगा। वो उन्होंने मुझे कहा कुछ सस्ता ढूंढ के डॉक्टर साहब कोई और अल्टरनेट नर्सरी का बताएं, तो यकीन करें मैं जिनको नहीं जानता ना, मैं किसी को भी नहीं, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ के, बहुत सारी कंपनियाँ भी करती रहती हैं कांटेक्ट के जी, अप्रोच के करती है, नहीं हमारे हमें ना बात प्रमोट। ये आ जाती है, अगर आप देखें सम टाइम ऐसे होता है, अगर आप उसकी लाइफ काउंट करें जो मैंने नेट पे सर्च किया कि 50 ईयर ग्रेप्स की लाइफ बताई जा रही है, तो 50 ईयर अगर आप काउंट करें, आपका सीड ही फर्स्ट ईयर में मिक्स आ गया, आपका सीड किसी खाते का नहीं, इट मीन आपने 50 ईयर की क्रॉप डैमेज कर दी, या फिर आप उसका वो स्ट्रक्चर दोबारा उखाड़ के वहां पे नहीं भी लगाएंगे, तो आपकी कॉस्ट फिर भी ज्यादा चली जाती है। बिल्कुल सही है, तो ये आप कर लें, उनसे आप रابطہ करें, और तो कोई सवाल नहीं है। नहीं सर, यही है था, और जस्ट हाँ एक बात के, इसका बेस्ट सोइंग टाइम कौन सा? कि इसका बेस्ट सोइंग टाइम एक तो फ़रवरी में ना, ये जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम लोग ये पौधे,
तो ये फरवरी में इनको लगाते हैं। पहले तो मौसम बहार। कलमों से हम उसमें बहार का समझ लें, फरवरी में वो बेस्ट टाइम तो यही है जब हम अच्छा अगर अपनी नर्सरी लगाएं ना, तो उसके लिए हम कलमें जो हैं वो काट के और उनको इस तरह काटते हैं कि अगर आप, हो सकता है कि ये प्रोग्राम कोई ऐसे लोग भी देख रहे हो कि जिनके पास ऑलरेडी ये हैं पौधे लगे हुए, तो वो जब डोरमेंट सीजन होता है ना, जब इसमें यानी जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में, जनवरी फरवरी हैं इसमें, तो उसमें ये इनको कलमें काट के इसकी नर्सरी लगाई जाती है। और कलम की लंबाई जो है वो कोई 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, और उस पर देखा जाता है कि चार पांच आँखें ज़रूर होनी चाहिए, चश्मे जो है ना। और ठीक है कलम का 2/3 हिस्सा ज़मीन में दबा दिया जाता है और 1/3 हिस्सा ज़मीन के ऊपर वो रहने दिया जाता है। और इस तरह से ना हमने देखा 100% कामयाबी होती है। ये तो सर आगे वो कलमें डायरेक्ट लगाने के लिए जो और नर्सरी में चाहिए अगर सर। बनी हुई है, अगर कोई नर्सरी तैयार है जिसकी, तो वो फरवरी में वो बाग में अपने में ना मुंतकिल कर देता है वो। मतलब वो आप मंडी जो है ना वो आप करेंगे फरवरी में, अगर आप कलमें लगाएंगे तो वो आप जो है ना वो जनवरी दिसंबर में वो आप हाँ, वो नर्सरी में ज्यादा लगाएंगे। बेहतर है। अभी आप अगर लेते हैं तो अभी बारिशें होंगी ना मॉनसून की, उसके वक्त, जी जी उस वक्त भी आप इसको लगा सकते हैं। और वो चूंके मतलब देंगे ये जब आपको, शजरकारी का मौसम स्टार्ट होगा। हाँ जी, शजरकारी का जब भी मौसम स्टार्ट होगा ना, उसी वक्त आप उनके, लेकिन ये कि उनकी जड़ों को हवा नहीं लगने देती दी जाती, ठीक है समझ गए? मतलब ये जवाब जब आपने मुंतकिल करनी है उनकी जड़ों को हवा नहीं लगने हवा देनी। नहीं लगनी चाहिए। और वो चूंकि वो देंगे ही आपको प्लास्टिक की के थैलियों में थैलियों में देंगे, तो नीचे से थैली को थोड़ा काट के, टियर हैं, ऑफ करके तो वहां पे लगा दें। हाँ, वो लगा दें, उतार के लगा दें। मकसद ये है कि उसकी जड़ें जड़ें जो है ना, वो बाहर नहीं, वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, नहीं उसकी तो हैंडलिंग एयर प्रूफ होनी चाहिए। हैं जी। मैंने कहा सर उसकी हैंडलिंग जो है वो जड़ों के हवाले से एयर प्रूफ होनी चाहिए। एयर प्रूफ होनी चाहिए, और फिर करके दबा के आप उसको पानी वानी उसी वक्त पानी लगा दें और ठीक हो जाता है इंशाल्लाह ठीक ताला। हो गया। ठीक है, चलें ठीक है ओके, ठीक है सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और मैं सर दुआओं में आपसे याद सर रखें। ठीक है, सर मैं इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे खदर भिजवा दूंगा वो पहन के। आप फेसबुक पे अपनी पिक्चर अपलोड कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए आपने कमाल क्या चीज पहना हुआ यार ये क्या कह रहे हैं? चल, अल्लाह सर। अकबर, बंदन ऑफ थैंक्स आपका सर। बहुत टाइम दिया अल्लाह बंदन ऑफ अकबर, थैंक्स अल्लाह सर। अकबर, दुआओं में याद रखें। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस कुरान करीम की आयत के तर्जमा से कर रहा हूँ, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक्वा इख्तियार करो। ये मैं सूरह बकरा से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।